दिनोजार। पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा मरकज से आपका मेजबान असलुद्दीन खान। प्रोग्राम मेरी पहचान पाकिस्तान लिए आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। सूबा बलोचिस्तान में रोइंग, गारशनासी, कोपैमाई और कैनविंग के खेलों के बानी जनाब हयातुल्लाह खान दुरानी ने वतन अजीज पाकिस्तान के सब सिलाली कौमी परचम की अजमत, अकीदत, शान शौकत, इज्जत व एहतराम को नौजवान नस्ल में रोशनास कराने, इन्हें सेहतमंद माशरे की तश्कील की तरफ रागब करने और उनमें जज्बा हुबुल वतनी की अफादियत और कदर कीमत को उजागर कराने के सिलसिले में बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिना के जरिए असूलों, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मौकम को मद्दनजर रखते हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोपैमाई का बाकायदा प्रोग्राम तरतीब देकर जिला ज्यारत के पीरगर की बुलंद तरीन चोटी पर वतन अजीज का हिलाली परचम लहराने का एजाज हासिल किया। आयतुल्लाह खान दुरानी, उनको ये भी एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान के तमाम अहम कौमी त्यौहारों के मौके पर बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों पर पाकिस्तानी परचम लहराने का एजाज हासिल कर चुके हैं, जो न सिर्फ एक कौमी रिकॉर्ड है बल्कि अहले पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। बलूचिस्तान में रोइंग, कैनविंग, गारशनासी और कोपैमाई के बानी हयातुल्लाह खान दुरानी ने कोपैमाई और गारशनासी के अलावा सूबा बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स की बुनियाद रखकर एक और एजाज हासिल किया। तो मुल्क ख़वातीन हज़रात, आइए इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात जनाब हयातुल्लाह खान दुरानी से करवाते हैं। जी हयात साहब, हयात साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कोपैमाई, गारशनासी, कैनविंग, इसका बाकायदा आगाज आपने कब किया? माउंटेनियरिंग का बाकायदा आगाज तो हमने बाकायदा एक टीम तश्कील देकर, हमने जिला ज्यारत के पीलगर पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने का एजाज हासिल किया पहली मतलब। हयात साहब, ये बताइए कि ये जो आपने तंजीम बनाई है चिल्तन एडवेंचर्स एसोसिएशन, इसका कयाम क्यों कर अमल में आया, किस तरह आपको ख्याल आया? ये हम लोग अरसे दराज से देख रहे थे कि कई ममालिक से गैर मुल्की टीमें हमारे मुल्क आती हैं और वो अपने अपने ममालिक की परचमे हमारी बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों को सर करके वहाँ ले रहती। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस किया कि मुल्क भी हमारा, पहाड़ भी हमारे, सरजमीन हमारी, तो क्यों ना हम अपने पहाड़ी चोटियों को सर करें और वहाँ अपनी सब्ज़ लाली कौमी परचम को क्यों नहीं ले रहे। तो इस तरह आपने ये मुहिम शुरू किया और उस वक्त से लेकर आज तक हम इसी मुहिम को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान का कौमी परचम मुख्तलिफ पहाड़ी चोटियों पर लहरा रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा हयात साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं और आपकी पहाड़ी चोटियों पर परचम लहराते हैं, कभी आपने भी कोशिश की है कि बाहर अपना कौमी परचम लहराने की कोशिश करें? दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी जो है वो नेपाल में है, लेकिन चूंकि बात हमारी कौमी परचम की, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गैर मुल्की कोपैमा हमारी बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों को सर करके वहाँ अपने अपने ममालिक के कौमी परचम ले रहते हैं, इसी तरह हम भी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की सब्ज़ लाली कौमी परचम को उनकी बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों पर ले रहे हैं। अच्छा हयात साहब, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि दूसरे ममालिक से लोग आकर हमारी पहाड़ी चोटियों पर परचम लहराते हैं, इसके रद्दअमल के तौर पर आपने क्या किया? इसके रद्दअमल के तौर पे सबसे पहले हमने बरतानवी पहाड़ी चोटी पर वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने का एजाज़ हासिल किया है और हमारी तंजीम का आज़म है कि इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में दुनिया भर की पहाड़ी चोटियों पर वतन अजीज़ पाकिस्तान का कौमी परचम ले रहे हैं। आयात साहब, ये बताएं कि एडवेंचर तंजीम के क़याम के लिए आपकी किसने ज़्यादा रहनुमाई की और ये जो इब्तदाई साजो सामान या तरबियत आपने कहाँ से हासिल की है, साजो सामान आप कहाँ से लाते हैं? शुरू में तो एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान, उनसे हमने रहनुमाई हासिल की। हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, उसकी रहनुमाई इसमें ख़ास तौर पर मेरे साथ शामिल थी। और कोपैमाई का सामान हम लोगों ने बरतानिया से मंगवाया है और ख़ुद भी वहाँ जाके हमने ख़रीदा है। Okay, I've come from the Orpheus Caving Club in England, which is part of the British Cave Research Association. मेरा ताल्लुक इंग्लिस्तान के केविंग क्लब से है। ये क्लब बरतानिया के गारों से मुतल्लिक तहकीकाती एसोसिएशन से मुंसलिक है।
मैं 5-6 बार पाकिस्तान के दौरे पर आया हूं और इस बार भी गारों के बारे में तहकीक करना मकसूद है ताकि गार शिनासी और इसके इल्म को फरोग दिया जा सके जो दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रहा है। यूरोप में गार शिनासी एक बड़ा शौक है जिसकी एक सदी पर मुहित तवील तारीख है। बलूचिस्तान में यह शौक हालिया बरसों में परवान चढ़ा है और इस सिलसिले में मैं पहली बार 1990 में बलूचिस्तान आया था। इस दौरे का मकसद को पैमाई और गारों की दरियाब था। खुशकिस्मती से यहाँ मेरी मुलाकात चिल्ड्रन एडवेंचर एसोसिएशन के अहदेदारों और हयातुल्ला खान दुरानी से हुई। इसके बाद अगले 8-9 माह के दौरान हमारे माबैन खतो किताबत होती रही और हमारे मुस्तहकम राब्ते कायम हो गए। 1990 में अपने केविन क्लब के बाज़ रफ़क़ा के हमरा दोबारा बलूचिस्तान आया। फिल हकीकत ये निहायत मुफीद रहा क्योंकि इस दफा हमने मिलजुल कर गार दरियाफ्त किए। ये को पैमाई और गारों की तलाश के सिलसिले में पहली पाक बरतानिया मुश्तरका मुहिम थी जो निहायत कामयाब रही। उस वक्त से हमारी तंजीम और चिल्ड्रन एडवेंचर एसोसिएशन के दरमियान दोस्ताना और पेशावराना रवाबित में इजाफा हुआ जो दोनों तंजीमों और हमारे दोनों मुल्कों के माबैन बतदरीज फरोग पजीर रहे। 1995 में चिल्ड्रन एडवेंचर एसोसिएशन के अरकान को पैमाई और गार शिनासी की तरबियत और गारों की तलाश के लिए बरतानिया के दौरे पर आए। अब मैं अपनी टीम के हमरा 5-6 बार बलूचिस्तान के दौरे पर आया हूं, जिसके दौरान हम अपने पास बरतानिया मुश्तरका मुहिम में बलूचिस्तान में नए गारों तक रसाई हासिल करेंगे। ये मुहिम न सिर्फ हमारी तंजीमों और मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का बायस होगी बल्कि इससे दुनिया भर में को पैमाई और गार शिनासी के शौक को भी फरोग हासिल होगा। अच्छा आयात साहब, ये बताएं कि आपकी तंजीम का बुनियादी मकसद तो माउंटेनियरिंग था, तो ये रोइंग और कैनविंग किस तरह आपकी तंजीम के लाजमी जुज बने? क्योंकि वाटर स्पोर्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। तो एडवेंचर के हवाले से हम क्लाइंबिंग, स्नो क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में तो हमने हिस्सा लिया, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स की कमी थी। वाटर स्पोर्ट्स या भी खेल जिसमें कैनोइंग, कायाकिंग, रोइंग और स्विमिंग वगैरह शामिल है, ये तमाम बैन अलाक्वामी ओलंपिक इवेंट्स एडवेंचरर्स के लिए पुरकशिश और दिलचस्प है। जबकि कैनोइंग और रोइंग में मेरी खसूसी दिलचस्पी की बदौलत मैंने 14 अगस्त 1986 को यूम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर हाना झील कोयटा में सूबा बलोचिस्तान की पहली और वाहिद किश्तरानी मरकज यानी हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की बुनियाद रखी। इस तरह इस अकेडमी के क़याम से लेकर आज तक हर साल 14 अगस्त जश्न आज़ादी और हर 23 मार्च यूम पाकिस्तान के कौमी त्योहारों के मौके पर हम आल बलूचिस्तान कैनोइंग और रोइंग के सूबाई और कौमी चैम्पियनशिप का बाकायदा इनेकाद करते हैं और इन चैम्पियनशिप्स के बेहतरीन इनेकाद और चैम्पियनशिप में शिरकत करने और कैंप में तैयारी करने वाले तमाम मर्द और ख्वातीन किश्तरानों यानी पेडलर्स के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात यानी लाखों रुपए मालियत की कीमती फ्लैट वाटर कैनोइंग, रोइंग व कायाकिंग की किश्तियां रेस में हिस्सा लेने और तरबियत के लिए हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवान और यूथ बुराइयों से दूर हटकर सेहतमंद माशरे की जानिब रागिब हो सके और इनमें जज्बाए बलवतनी की फादियत उजागर हो ताकि वो अपनी शानदार टैलेंट की बुनियाद पर सूबे और मुल्क का नाम कौमी और बैन अलाक़वामी सतह पर रोशन कर सके ना। हयातुल्ला दुरानी बहुत डायनेमिक और चैलेंज कबूल करने वाले नौजवान हैं। मैं तो हयातुल्ला को 1992 में उस वक्त मिला जब हमने बलूचिस्तान में रोइंग के हवाले से उनको कुछ काम दिए, कुछ जिम्मेदारियाँ दी। यहाँ बलूचिस्तान में हना लेक एक बहुत मौजून झील है जिस पे कश्तीरानी को हम डेवलप कर सकते थे और इनको जब काम दिया गया कि यहाँ बलूचिस्तान में इस खेल को फ़रोग भी देना है और इस झील पे ये काम हयातुल्ला ने बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट कर दिया। और सिर्फ रोइंग में ही नहीं,
कई दूसरे चैलेंजेस को भी कबूल भी किया है, कामयाब भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हयातुल्ला खेलों के हवाले से भी और दूसरे तामीरी कामों के लिहाज से मुल्क कौम की बहुत खिदमत करेंगे। केविंग बजात खुद एक खेल है, ये बरतानिया में तकरीबन एक सदी से लोग करते आ रहे हैं, और ये खेल के साथ साथ एक साइंस भी है। इससे ज़मीन की साख्त और ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों का इससे पता चलता है। अच्छे गारशनास को स्पेलियोलॉजिस्ट कहते हैं या केवर। तो ये माउंटेनियरिंग के साथ इसलिए लाजिम मलजूम है कि जितने भी पहाड़ी कुदरती गारे हैं वो पहाड़ों ही में वाक़ है, और उन तक पहुंचना एक अच्छे माउंटेन क्लाइंबर की निशानी है। और इसके अलावा इस वक्त हमें ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी कुदरती गार को एक्सप्लोर करने का एजाज़ भी हमें हासिल है, जो कि बोलान में है। हाना लेक, हाना झील जिसे कहते, ये खूनी झील के हवाले से मशहूर है। सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस लेक में काफ़ी लोग डूबे हैं और वो मर चुके हैं। हर साल कई इंसिडेंट होते रहे हैं। जब से यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने इसका चार्ज संभाला है बतौर कस्टोडियन, तो यहाँ पर अभी शुक्र है लोग महफूज है, क्योंकि हर एक बंदे को यहाँ स्विमिंग की इजाज़त नहीं है सिवाय हमारे खिलाड़ियों के। हमारे लड़के जो है वो बाकायदा ट्रेंड होके रोइंग और कैनोइंग की तरबियत हासिल करते हैं, और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि हम इस खूनी झील को, इस झील से इस खूनी का लफ्ज़ हटाए और इसको खेलने के लिए मशहूर करें। और आज आप तय करें, खुदा के फजल व करम से हमने यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो नेशनल गेम्स का इनेकाद कराया, 24वें नेशनल गेम्स हमने रोइंग का इवेंट यहाँ मनकद कराया। तो 50 साल तारीख में पाकिस्तान का ये पहला नेशनल गेम्स के इवेंट्स थे रोइंग के, जो हमने यहाँ मुनक्किद कराया बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान में मुनक्किद हुए रोइंग के इवेंट्स। इससे पहले आप मेडल पॉइंट्स पे जाए, या इफ़ यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि रोइंग के मुकाबले बलूचिस्तान में हुए, क्योंकि रोइंग का कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं था। अभी भी बहुत से लोग रोइंग और कैनोइंग को एक चीज़ समझते हो, कहते बस किश्ती रानी है, चाहे वो क्या। अच्छा, क्या फ़र्क है सब इनमें? रोइंग की किश्ती ये कहलाती है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये स्कल है, स्कल यानी एक बंदे की, एक खिलाड़ी की, इसको स्कलर चलाता है, इसको चलाने वाला स्कलर कहलाता है। इसमें आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और आपका जो फेस है वो हवा की तरफ होगा। आप नहीं, आपका बेक, क्योंकि आप उस वक्त जा रहे हैं तो ठीक है, आप जो है आगे की तरफ देख के पीछे की तरफ जा रहे होंगे, अपोजिट आप रो करेंगे। कैनोइंग में आप फ्रंटल आप जाओगे, कैनोइंग के जो पेडल्स हैं और जो चप्पू कहलाते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो खिलाड़ी के हाथ में होते, और रोइंग के जो ओर्स हैं चप्पू ये इसमें फिक्स होते। अच्छा, ये बताइएगा कि आम आदमी के लिए इसमें क्या चार्म है इस रोइंग या कैनोइंग? असल दिन भाई, एक आम आदमी और खिलाड़ी में बहुत फ़र्क है। खिलाड़ी अपनी सख्त मेहनत, शानदार जज्बे और भरपूर कोशिशों की बदौलत अपने खेल में आला मुकाम हासिल करते हैं, और यही वजह खिलाड़ियों को आम आदमी से मुख्तलिफ बनाने में अहम किरदार अदा करता है।
सुबह बलूचिस्तान के खिलाड़ियों के लिए रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग के खेल में बहुत ज़्यादा चार्म है, आप समझते हो ना, क्योंकि इस एकेडमी की शानदार कामयाबी की बदौलत पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन, पाकिस्तान कस्टम स्पोर्ट्स बोर्ड क्वेटा, ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने भी हयात दुरानी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के जेर तमाम रोइंग और कैनोइंग के मुनक़िद होने वाले मुकाबलों और तरबेती कैंप्स के लिए खसूसी ताउन फराहम करना शुरू कर दिया है। दुरानी साहब हमारे साथ काफ़ी अरसे से कस्टम के महकमे में बतौर ऑफिसर काम कर रहे हैं एंड बतौर अफसर भी उनकी हमने कारकर्दगी देखी है, जो कि मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरे उसके जो साथ काम करने वाले हैं उनसे किसी भी तरीके से कम होगी, लेकिन उसकी ज़्यादा नुमाया खसूसियात एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से मैं बयान करना चाहूँगा कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी जो भी स्पोर्ट हो लाइक रोइंग में उन्होंने बड़ी अच्छी नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, माउंटेनियरिंग में उन्होंने जो है चिंतन एडवेंचरस के नाम से यहाँ पे बड़ा नाम पैदा किया, उसके अलावा कैनोइंग की भी अगर मुकाबले यहाँ पे हुए हैं तो उसमें न सिर्फ बतौर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन की उनकी खसूसियात हमारे सामने आई हैं बल्कि बहुत अच्छे मुंतजम के तौर पे भी वो सामने आए हैं, जो उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ हमें बताती है। और मैं समझता हूँ कि एक उसमें एक जस्तजू की हमेशा एक वो रहती है कि जी बेहतर से बेहतर अपने आप को किसी भी शोबे में जिसको उसके हवाले किया जाए ज़्यादा तौर स्पोर्ट्स के हवाले से, ताकि उसमें अपनी कारकर्दगी वो दिखा सकें और सिर्फ अपनी नहीं कारकर्दगी बल्कि बाकी लोगों को भी किस तरीके से उनसे बेहतर तरीके से काम लेना है, जो एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। तो वो एक सलाहियतें मुझे इसमें बड़ी नुमाया नज़र आती हैं और मैं समझता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे बड़ी तरक्की दे अपने शोबे में, अपने सरकारी काम की भी खुश असलूबी से तय करने की और स्पोर्ट्स के शोबे में भी तय करने की। रोइंग को 1900 में इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया, यानी आज से 97 साल कबल, और हम यहाँ बलूचिस्तान में 14 अगस्त 1986 को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जो गेम एक सदी पहले ओलंपिक गेम्स में हो रहा हो उसमें ज़ाहिर है दूसरे ममालिक के खिलाड़ी तो आगे होंगे, हमने तो अभी शुरू किया है और शुरू करते ही हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान लेवल पर उन्होंने मेडल ले लिया नेशनल गेम्स में, और इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन करें और मेडल लें। और इसके अलावा मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्वालिफाई कोच भी हूँ रोइंग का, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने माउंटेनियरिंग और केविंग के फ़रोग के लिए हमने यहाँ पर काम किया और आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के माउंटेनर्स वो बरतानिया, ईरान और दूसरे ममालिक का दौरा कर चुके हैं, और ये एज़ाज़ भी हमारी एसोसिएशन के खिलाड़ियों को हासिल है कि वो दूसरे ममालिक से एक्सपीडिशंस यहाँ इनवाइट करके मुनक़िद करते हैं। बरतानिया और ईरान के कोपेमा बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जर्मनी के कोपेमा भी यहाँ आ चुके हैं, तो ये हमारे सूबे के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। वाइल्ड लाइफ की जो ज़िंदगी है वो दरख्तों पे डिपेंड करती है, इसी तरह हम इंसानों की ज़िंदगी भी दरख्तों पे डिपेंड करती है, अगर दरख्त को तहफ़ मिलेगा तो हमें और वाइल्ड लाइफ को भी तहफ़ मिलेगी। तो पैमाई में हयात साहब का जो सबसे उबुल वतनी का उसका जज्बे का मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका 1986 में इन्होंने बुनियाद रखी है और ये 1986 से लेकर अब तक ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है। माउंटेनियरिंग में भी खासकर रॉक क्लाइंबिंग में या स्नो क्लाइंबिंग में जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इन इक्विपमेंट्स का मियार क्या है, कहाँ के बने हुए हैं, अगर रस्सा है तो रस्सा कितना पुराना है, रोप और जो कराबिनर वगैरह है या सिटारनेस है या फिगर ऑफ एट है, ये कितने इस्तेमाल शुदा है, आया ये मजीद बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग के फ़रोग के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर इकदाम किए जाए
और इसी तरह रोइंग और कैनोइंग में भी जिस तरह हमने शुरू किया है कि कॉलेज के लड़के आ रहे हैं, स्कूल्स के बच्चे बच्चियां आ रही हैं और वो तरबियत हासिल कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल से उन्होंने इतने थोड़े अरसे में इतना प्रोग्रेस दिखाया है जो कि काबिल तहसीन है। ये जो पाकिस्तान की सबसे तवील कुदरती गार हमने दरियाफ्त की है, और हम पहले इंसान हैं जब इस गार में गए। गोल्डन जुबली के हवाले से पाकिस्तान में जो प्रोग्राम मनक़द हुआ था, पाक ब्रिटेन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन और केव एक्सप्लोरेशन, तो इसमें जो केव हमने एक्सप्लोर किया इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सबसे तवील तरीन केव जो है, मोर देन 1000 मीटर, इसमें हमने गोल्डन जुबली के हवाले से जो तीन अहम जगह दरियाफ्त किए हैं, जो इसमें एक बहुत बड़ा पैसेज है, उस पैसेज को हमने पाक ब्रिटेन फ्रेंडशिप पैसेज का नाम दिया है, और जो एक हाल है यहाँ बहुत बड़ा हाल इस केव के अंदर, इस हाल को हमने गोल्डन जुबली हाल का नाम दिया है, जबकि वहाँ मौजूद एक बड़े चैम्बर को हमने आज़ादी चैम्बर का नाम दिया है। मेरे दो बेटे हैं मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद उमर। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप तमाम तर वक्त पहाड़ों में गुजारते हो, या खाना जिम में आप रोइंग या कैनोइंग में वक्त देते हो, या जब आपकी ड्यूटी होती है तो आप तमाम तर वक्त अपनी ड्यूटी निभाते हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ड्यूटी निभाना मेरा फ़र्ज़ है, और गेम्स को फ़रोग देना वो मेरा मकसद है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि काम काम और बस काम, तो अगर हम काम नहीं करेंगे, हम अपने कायद के ज़रिए असूलों को नहीं अपनाएंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़रिए असूलों को अपनाएँ और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें।